हिंद में अनोखा मरकज तहफ्फुज दीन, ये दीन का तर्जुमा है मरकज तहफ्फुज दीन। मैं नहीं समझता हूँ कि इसकी कोई हकीकत है। देवबंद की शोहरत दुनिया में दारुल उलूम की वजह से है, दारुल उलूम की शोहरत देवबंद की वजह से नहीं। देवबंद में तो कुछ भी नहीं है, ना कोई कारोबार है, ना कोई फैक्ट्रियाँ हैं ऐसी। देवबंद क्या चीज़ है, कुछ तो है नहीं। लेकिन दारुल उलूम देवबंद के अंदर हुआ तो सारी दुनिया उसको पहचानती है। एक मरतबा नहीं, हज़ार मरतबा नाम को तब्दील कर दें दारुल उलूम के नाम के साथ, जो शहर है उसका नाम फिर सारी दुनिया ये लेने लगेगी। ये कोई इस्लामी शहर तो है नहीं। देवबंद तो ऐसी बस्ती है जो इस्लाम के दुनिया में आने से पहले की बस्ती है। मुअर्रिखीन कहते हैं कि यहाँ एक देव का देवी है जो वहाँ रखी हुई है, और ये एक बन था आज से हज़ार डेढ़ हज़ार साल पहले। देवी का बन कहा जाता था उसको। आहिस्ता आहिस्ता आबादी हो गई, हज़ार डेढ़ हज़ार साल के अंदर नाम बदलते बदलते वो देवबंद हो गया। आज वो देवबंद है, कल को कुछ और भी नाम रख लो उसका, हमारे ऊपर हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है। इससे ये पता चलता है कि जो लोग पार्लियामेंट और असम्बली में पहुँचे वो कितनी छोटी ज़हनियत, तुमने दुनिया का पता ही नहीं। वो एक कुएँ के मेंढक हैं, उन्हें कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है। वो इसके नाम को हम कहते हैं एक मरतबा नहीं हज़ार मरतबा बदल लो। दारुल उलूम की वजह से इस नाम को शोहरत आ जाए। दारुल उलूम दारुल उलूम है, कल को कोई इस्लामी नाम तो है नहीं कि मुसलमान को उससे कर। जीरो अपनी तकलीफ को दायी कर रहे हैं वो नादान है, कहें भाई तुम खुशी के साथ बदल लो, हमारा क्या जाता है। दारुल उलूम देवबंद हम कह रहे हैं, कल को तुम इसका नाम मंगल रख दो हम कहेंगे दारुल उलूम मंगल, और कल परसों को पीर और बुध रख लो हम कहते हैं पीर और बुध। दारुल उलूम तो अपनी जगह के ऊपर रहेगा, इसका तो कोई मसला नहीं है। हिंद में अनोखा मरकज तहफ्फुज दीन, ये दीन का तर्जुमा है मरकज तहफ्फुज दीन, वस्फ़े नबी का पैगर इल्म।